फकीर साहब का कलाम थे, तो वहां देखिए कौन सी ध्वनि की बात कर रहा है, वो बता रहे हैं श्रृंगोम कानन, श्रृंगोम मेरी मेरी काम कान में जो ध्वनि आई वो गंगोरू के बेल्स की ध्वनि आई और बार बार मेरी कान में आई। तालिब तालिब डिसाइपल इसी ध्वनि के साथ चलता है और अपना पीर जो है वो उसको बताता गाइड करता है। पीर तालिब ध्वनि के साथ ही चलता है और पीर उसको बताता डायरेक्शन देता है और जो संगल जो दोनों को बांधे हुए हैं गुरु पीर पीर और तालिब को नहीं बल्कि जो इस सिस्टम को बांधे हुए वो कट गई और अलायदा और अपनी दिशा में चला। यानी ध्वनि इफेक्ट जो है वो सूफी परंपरा बहुत ही पावरफुल माना जाता है जो मैंने, और जो हम कहते हैं कि तमाद मस्कलंदर में भी है कि वहां बाजे बज रहे हैं और वो कौन से बाजे हैं ये मैं आपको बताऊंगा कि कश्मीर के सूफी समय इसका जिक्र कौन कौन से बाजे मैंने उनको स्टडी किया है ये बाजे और उन बाजों का कितना असर होता है वो बहुत ही पावरफुल। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बताऊंगा वो है सूफी शायरी में शास्त्र। हमारे कश्मीर की परंपरा में समद वीर एक बहुत बड़े राइटर हैं जो शास्त्र हैं। अब इसमें इल्जम तो फिगर ही नहीं करता है, हम बार बार घुसेड़े हैं उसको, वो तो पूरा शैव जो शैव शैव्य दर्शन है इनकी शायरी में आपको वो शैव्य दर्शन ही मिलेगा। और इसी तरह से जहां जहां भी आप इसी किसी जगह भी आप ले चले, फॉर एग्जाम्पल इस कलाम को अब यहां है साकिया बरखेज दर्द जामरा, साकिया बरखेज दर्द जामरा खाक बर सरकुल गमे आयाम, गर्च बदनामीस नजदे आकला, गर्च बदनामीस नजदे आकला मानिमी क्वाहिम नंगो नाम, साकिया बरखेज दर्द जामरा। मेरी कंपनी का थोड़ा सा मुगड़ा सुना दो कवाली फॉर्मेट में थी। साकिया बरखेज दर्द जामरा, साकिया बरखेज दर्द जामरा, साकिया बरखेज दर्द जामरा। इस रचना की शास्त्र, यहाँ शास्त्र की बात है। अब शास्त्र क्या है, दिया पिया करके हम पिया हो, अब पिया किस, ये पिया पिया का पिया ही हो गया मैं, जैसे कबीर बानी में है कि लाली मेरे लाल की चित देखो तो लाली देखो मैं देखा भी हो लाल तो उसी में मर जाओ, तो पिया पिया करके हम पिया हुए अब पिया किस में कहे, हिजर वसल हम दोनों छोड़े अब के हों रहे पिया पिया करके। और संगीत के माध्यम में Thank you.
दिया किसने? बयां करने का एक स्ट्रक्चर था जो मैंने इसमें इसमें बांधा। और इसी तरह से शास्त्र का दादी चाहनी यारो पान मार लगी, ए मेरी यार, मेरे महबूब, तुम्हारे इंतजार में मैं अपने आप को कुर्बान कर लूंगा, मैं अपने आप का किल कर लूंगा, थोड़ी देर मेरे पास आ जाओ। यह तो दिली जिगरस का आस्तम, ये जो मेरा दिल है इसमें जंग लग गया, ये जंग लग गया। अब इसका मिसरा जो शास्त्र क्या है, दुपनम का सही मरमन भाई, उसने मुझसे कहा कि मरने का डर तुमसे दूर करूंगा, सड़क है मरने से, लेकिन कंडीशन है जब मुझे याद करोगे तब कभी नहीं मरोगे। लेकिन जिस मूद तस के हवा, जो मर गया उसका तो कुछ बाकी नहीं, सब खत्म। अब कैसे है ये गाने के फॉर्मेट में, शास्त्र की बात, ज्ञान की बात, सेंसिटिव बात है, सटल बात, उसको किस ढंग से बयान की जाती है। सूफी शायरों का एक ही नजरिया बराबर है, इसमें कोई फर्क कहीं नहीं आता है, चाहे किसी भी दिशा में, किसी भी शैली को ले, किसी भी जबान को ले, वो एक ही दिशा में चलते। अब थोड़ा सा मैं कश्मीर की ओर, कश्मीरी सूफीज्म जो है वो इतना पावरफुल वहां बेस है कि बच्चों के रिडल्स में भी आप सूफी कंटेंट की, शायद सूफी ऑलमोस्ट एक ही। एक गाना मैंने किया था जो बहुत एक वर्ल्ड कंपटीशन के लिए गया था, कंपटीशन ईश्वर की कृपा से नंबर वन वहां करा, जर्मन का नंबर टू था और चाइना का नंबर थ्री था, जिस चाइना ने हमें बहुत परेशान किया, अच्छा वो तीन नंबर पे आया। वो है फोकस फोकस वर्णन सुपुष अनुभव तुक लगों के शान कुछ कुछ मारे अच्छा रिस्पोर्ट एक फोकस फोकस वर्णन सुपुष अनुभव तुक लगों के क्या कह रहा है बच्चे का रिडल से मैंने दोनों बात की फोकस फोकस वो कौन मैं कौन फिर बताओ तुम कौन वो कौन मैं कौन फिर बताओ तुम फोकस फोकस दिल वन सुख और तुम बताओ मैंने इस हंस को लाया और दीक्षी में डाला चरने को और चरने से जो निकला उसका मैंने टीका बनाया और अपनी माँ क्या है फोकस फोकस दिल वन सुख इसी तरह से जून मई जून ए माँ मून मून से रेफर माँ चंद्रमा को सबने मामा बुलाया है लेकिन कश्मीरी सूफी शहरी में वो माँ है चंदा मामा 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 है हाँ जून मज माता है माता मामा नहीं माता जून मज जून ए मून ए चांद मून माँ
अंगन मंगन सत्य, ये जो अंग है उनका हिसाब मांगा जाएगा। किम कस कने राय, वो किसका सपोर्ट करेगी? वो राय का, ईश्वर का ही सपोर्ट। अंगन मंगन सत्य जी किम कस कने राय, वो ईश्वर का ही सपोर्ट करे, वो सुख मेरा सपोर्ट नहीं करेगा। अब ये कंटेंट कश्मीरी सूफीज्म, जहां ज्ञान है, भक्ति है, श्रद्धा है और सबमिशन है, सरेंडर है। एक चीज है वहां रोना धोना नहीं, विरह है। जैसे मैं एक आपको चीज सुनाऊंगा और वो इसमें जैसे नहीं है कि मुझे मौत है और फलाना है, ये सब है, वो दुख दर्द नहीं। वहां का जो सूफी कंटेंट का जो विरह नजर आता है वो है, हा बोलो वल यार कल चमचे, ऐ मेरे यार आ, तुम्हारी कल है, तुम्हारा तुम्हारी ही और मेरा रू जहां बल का तुझ पे छू छू आजा, कैसे ठीक होगा मुझे प्रॉब्लम, मैं परेशान। सलगोम लोला सलगोम, जो मोहब्बत का पाथ है वो डिच कर गया, सलगोम वही मुझे डिच कर गया, छुसलाल और वही मैं भुगत रहा हूं, बल क्या तुझ आजा, कैसे ठीक हो जाऊंगा मुझे ये परेशानी। माय बहुजन सुसन जी, तुम्हारे हुसन ऐसा है उसने मुझे पूरी तरह से अपने अपने रुखसार को शैडो में नहीं रखा। पाए करतना तिछी, कुछ इसका इलाज करो नहीं तो मटिबार में मेरी जो प्रॉब्लम होगी वो आपके साथ, वो आपकी ही देव। और इसका देखिए कैसे बयां कैसे किया, थोड़ा सा सूफी कंटेंट को लेकर मैं आपके सामने पेश किया।
और जो मैं दोबारा बात को एक दफा फिर जरूर कहना चाहूंगा वो ये है कि क्योंकि सूफी बहुत कंपटीशंस मैंने की हैं, जैसे मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ हजार, लेकिन मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर लूंगा कि कश्मीर की जो सूफी शायरी उस पर थोड़ा उसको जरूर करें, उस पर उसको जरूर थोड़ा देखिए और कोशिश कर लीजिए उसको जनरल पब्लिक तक लाने, क्योंकि वो एक ऐसा बात है कि जो कहीं भी जिसमें कोई गुंजाइश किसी भी किस्म की गुंजाइश नहीं है। और जैसे ललेश्वरी का है, शिव ची थल थल रोजान, शिव हर जगह आपको देख रहा है, मौजान अंदर कोई मुस्लिम नहीं कोई हिंदू नहीं, बिल्कुल पहचान अपने दिल से निकाल, तो कई छुपा रूपान परसान, अगर इंटेलिजेंट हो दाना हो अपने आप को परखो जानो और उसी से तुम्हारी जान। धन्यवाद धन्यवाद पंडित जी। इस पूरे आयोजन में सबसे बड़ी उपलब्धि यही रही कि आपका आशीर्वाद हम लोगों को भरपूर मिला, लेकिन आपसे एक अनुरोध मैं अपने महाविद्यालय परिवार की तरफ से करूंगा कि स्पीक मैके का चैप्टर हम अपने यहाँ चला रहे हैं, पंडित विश्व मोहन भट्ट आदरणीय भारती बंधु जी हमारे यहाँ आए और उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया, तो इस कार्यक्रम का एक उत्तर पक्ष भी होगा कि हम चाहेंगे कि आपके रूबरू रह के आपके चरणों में बैठ के हम लोग आपको सुने। और जरूर जरूर कभी भी किसी भी समय कोई परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं, तो प्रिंसिपल मैम कुछ कहना चाह रही जी। हाँ सर, आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आपका और बहुत अच्छा लगा, और जैसे मनीष ने कहा बिल्कुल आप हमें अपना एक मौका दीजिए जो हम आपको अपने कॉलेज में आपको बुला सकें। तो जी जरूर जरूर जरूर। ओके सर, थैंक यू, बिल्कुल आ जाएंगे आपके पास जब ये सारा सर्कमस्टेंसेस ठीक हो जाएंगे तो जरूर हम डेफिनेटली डेफिनेटली जल्दी जल्दी ठीक हो जाए और हम सब पहले की तरह जैसे मिलते रहे वैसे दोबारा मिले। राइट, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत आभार पंडित जी। और इस सेशन में हमारे विशेष अतिथि भाई अफरोज जो कि यूएसए से हमसे जुड़े रहे, बीज वक्ता के रूप में आदरणीय निर्मल जी, प्राचार्या मैडम, हमारे अपने बीओस के चेयरमैन आदरणीय डॉक्टर अनिल सिंह सर, आप सभी इस कार्यक्रम में आए और इस दो दिन के आयोजन के उद्घाटन सत्र को आप लोगों की उपस्थिति ने सच में एक ऊंचाई और गरिमा प्रदान की, उसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ। Thank you. इसी के साथ मैं इस सत्र के समापन की घोषणा करता हूँ। अगला सत्र हमारे वाइस प्रिंसिपल आदरणीय डॉक्टर महेश भिवंडीकर सर कोऑर्डिनेट करेंगे, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो कोऑर्डिनेशन करके अगला सत्र शुरू करें। भाई प्रभाकर सिंह और बाकी लोग जो सत्र में हैं वो उपस्थित हैं। आदरणीय डॉक्टर भिवंडीकर सर। धन्यवाद मनीष, थैंक यू वेरी मच आफ्टर नाइस फर्स्ट इनॉग्रल सेशन। Friends, welcome you all to this 2 days webinar, international webinar on the culture of Sufism. मैं पहले टेक्निकल सेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ और मैं विनती करता हूँ कि प्रभाकर सिंह जी हमारे बीच में, प्रोफेसर प्रभाकर सिंह जी है जो प्रोफेसर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी से है, इस सेशन का अध्यक्ष स्थान ग्रहण करे और मैं उनका परिचय आपके सामने रख रहा हूँ। आप इलाहाबाद जिले के मानपुर गांव से है, इंटरमीडिएट तक की शिक्षा गांव से हुई और बीए एमए और डीफिल इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद से हुआ। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से प्रवक्ता के रूप में चयनित होकर वर्ष 2004 से 2005 तक स्नातकोत्तर महाविद्यालय पट्टी प्रतापगढ़ में आपका अध्ययन रहा है। वर्ष 2005 से काशी विश्व हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अध्यापन
आप कर रहे हैं, लगभग 50 आलेख और समीक्षाएं विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं, पुस्तकों में 20 से अधिक अध्यायों का प्रकाशन, ई पाठशाला, हिंदी साहित्य कोश और उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में विभिन्न पाठ्य सामग्रियों का प्रकाशन हेतु आपका चयन रह चुका है और कुछ कविताएं भी प्रकाशित है, उपन्यास मूल्यांकन के नए आयाम और रीति काव्य मूल्यांकन के नए आयाम पुस्तकों का संपादन आपके हाथ से हुआ है, साहित्य का इतिहास लेखन, परंपराओं और इतिहास दृष्टि पुस्तक शीघ्र प्रकाशन, ऐसे बहुत बड़े नामचीन प्रभाकर सिंह जी हमारे बीच उपस्थित है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि सर आप इस टेक्निकल सेशन का अध्यक्ष स्थान ग्रहण करें और मैं आगे जाके विनती करूंगा कि आज के जो स्पीकर है, पेपर प्रेजेंटर है प्रोफेसर जॉन क्लैडवेल, आप अगर हो तो आपका प्रपत्र आप सादर करिए, मैं आपको हार्दिक आमंत्रित करता हूं कि आप आइए और आपका प्रपत्र सादर करिए। शुक्रिया जी, मैं हाजिर हूँ। यस सर, प्लीज गो अहेड। हाँ, थैंक यू जी। तो क्योंकि यहाँ पर लगभग 3 बज रहे हैं रात के और जगृति हो रही है तो लेट मी स्टार्ट बाय सेइंग दैट आई रियली अप्रिशिएटेड द फर्स्ट ऑफ ऑल द वंडरफुल परफॉर्मेंस एंड एग्जांपल्स गिवन बाय पंडित जी, पंडित भजन सोपोरी जी। बहुत मजा आया, बहुत इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव डेमोन्स्ट्रेशन आपने दिया है, और डॉक्टर निर्मल कुमार जी बहुत इनलाइटनिंग और बहुत जानकारी से भरपूर लेक्चर दिया आपने। इट वाज वंडरफुल। सो एक्चुअली आईड लाइक टू, दिस इज अ टेक्निकल सेशन, आईड लाइक टू टॉक अ लिटिल बिट अबाउट द टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ कव्वाली, स्पेशली टेक्नोलॉजी एंड रिकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी विद रिस्पेक्ट टू कव्वाली, एंड सॉर्ट ऑफ शेड सम एडिशनल लाइट ऑन सम ऑफ द कमेंट्स मेड बाय डॉक्टर निर्मल कुमार जी। So actually, जैसे आप सब जानते हैं, मुझे बेहतर जानते होंगे, that in the 50s and 60s actually, जैसे निर्मल कुमार जी ने फरमाया, the qawwali scene in India was really had become quite secular. There was filmy qawwali, of course, filmy qawwaliyan बहुत मशहूर हैं, बरसात की रात की qawwaliyan, चौदहवीं का चांद की qawwaliyan, जो मशहूर फिल्में 50s and 60s की फिल्में, of course, even Dharmaputra vagara, chahe ye mano, chahe wo mano. So they were very secular in nature, and filmy and romantic. Ye ishq ishq hai, ishq ishq na karwan ki talash hai, etc. There were so many examples of filmy qawwaliyan, but saath saath there was the recording technology of LP records and short records, meaning recordings on vinyl. जो मसाले के जो डिस्क होते थे, है ना, there were several very famous qawwals, जैसे कल्लू qawwal, जानी बाबू qawwal, अजीज नज़ा, और of course अफरोज़ी ने मुझे अभी याद दिलाया कि शंकर शंभू qawwal, who was famous from अजमेर शरीफ, the shrine of Hazrat Muinuddin Chishti साहब. So these all were being recorded and distributed widely in India, and some of them were Islamic qawwaliyan, some of them were Sufiana qawwaliyan, lekin there were also many that were purely secular, and the best example of the latter, of course, is the most famous qawwali by Aziz Nazan ji, of course, Jhum Barabar Jhum Sharabi, right, which was originally an advertisement for a kind of brand of whiskey, and then became used in a film later on. So these kinds of qawwaliyan, you know, it depends on how you define qawwaliyan, but just say Dr. Nirmal Kumar ne bataya, these were all qawwali style and used this sort of various kinds of musical genres that qawwali established, the rhythmic clapping and drum playing, etc. But of course, we're very far from being Islamic in any sense of the word. So there was kind of somewhat of a gap in the 50s and 60s where there was a
there was a one of those rare periods in South Asian history when recordings of Pakistani artists were released in India by several record recording companies. EMI was one of them, of course, EMI India, EMI Pakistan, Ka Sambandh Tha. So they shared recordings, and then also Angel, a record label called Angel. There were several others that started releasing Pakistani recordings in India on LP or on vinyl, what we call EP, like the 45 RPM or the 33 RPM recording format. So in the mid 70s, the Sabri brothers from Pakistan, their first recordings were released in India. First, of course, Qawwali that we all know and was used again later on in films in India, Bhardo Joli by the Sabri brothers in 77, 76, Taj Dare Haram, which we again, Bajrangi Bhaijaan, just say Dr. Nirmal Kumar ne mentioned Zikr Kya Hai, okay. We heard that Qawwali also in Bollywood, in the Indian film industry. And then in 1978, a whole album of Sabri Brothers Qawwalis was released in India by under the Angel label. And then in 1979, there was an enormously influential record recording released in India of three or four different Pakistani artists. And the title of the album was Damadam Maskalandar, of course. And it included the famous version of that Qawwali by Runa Leela. So that was 1979. It also contained what they called Dhamal or Kafiya or Damadamas Kalandar, various songs in praise of Lal Shahbaz Kalandar, the one of the patron Sufi saints of Sindh, that Noor Jahan Ki Awaz Thi, Runa Leela, Reshma, all of these recording artists who were, Noor Jahan, of course, had been known in India way back in the 40s and then had left for Pakistan, but Runa Leela, was relatively new for India in those days. She had sung in Bollywood also in the mid-70s, and Reshma. And so this was a huge super hit in India. These were, again, Islamic Qawwalis, songs in honor of Sufi saints, particularly the Lal Shahbaz Kalandar, as I mentioned. And so this became a super hit. And of course, the Madhamas Kalandar, everyone associates still with Runa Leela, even all these years later. And my dissertation is on this sort of cross-border Indian-Pakistani musical exchange. And I one of my favorite moments in that exchange comes in 2012, when in this television musical competition show, Sur Kshetra, we have Runa Leela, Abd Parveen, and Asha Bhosle, all as the judges. And they sing together Damadamas Kalandar, led by Runa Leela, as a kind of expression of joining and bringing together these three nations of South Asia, India, Pakistan, and Bangladesh, under this one roof. And it kind of completely, inhone jawab diya tha, Sur Kshetra ke producers ko, that they were talking about, you know, the battle of the notes, the all the things were in terms of war, Mahayud and all these things. But these three artists from three different countries came together to sing together and show that these boundaries can be crossed. And Jaise Afrozbhai ne bataya, Afroz Taj Sahib ne bataya, Sufism and Qawwali really is about this Ganga Jamni, a meeting of cultures and mingling of cultures. Sangam, cultural sangam ki baate, Sanskriti sangam, it's not about who wins, who loses, and who's better or who's worse. So if I take example, but the ek sawal aur, and I won't take much time because as I said, teen baj rahe hain yahan par raat ke, that the question of whether women can be involved in Qawwali, Dr. Nirmal Kumar ne ye sawal uthaya, lekin we didn't really answer it. So of course I've met many of the same Qawwals, and I had the great fortune to meet this Maqbool Sabri, before he passed away. Amjad Sabri also before he passed away. We had invited him, Afrozji and I often invite artists from India and Pakistan to perform. So they had both performed here, and I had a chance to discuss with them extensively. And their opinion was kind of interesting. They said that in fact, you know, women can sing Sufiana Kalam, women can sing and perform all kinds of things, you know, Kafiya and other kinds of Damals and things, that's no problem. But a woman, according to them, can't be technically called a Qawwal. So Qawwals, I guess, are defined as being men, but women can sing Qawwali and can sing Sufi Kalam. And so many do. And of course, we know Abd Parveen performed for many years in Delhi every year under the Jahan-e-Khusro Festival.
The great performer, sort of Sanam Marvi, we've had her perform in North Carolina as well. She's performing now. She sounds a lot like Abdu Parveen. And I read her an interesting interview with Abdu Parveen once, just from a friend asked her, you know, that being a woman, how does it work to sing Sufi Kalam? How can you, as a woman, sing this kind of music, which is traditionally the domain of men? And she said, really, when I sing, I'm not a man or a woman. I lose my gender. I'm just a voice in praise of God and praise of the Sufi saints. I have no gender when I'm singing Qawwali or singing Sufi Kalam. So I thought that was an interesting statement by her. And then, of course, as Dr. Nirmal Kumarji mentioned, Koch Studio, of course, is now promoting Qawwali. I would say Qawwali is still certainly alive and well. And Koch Studio Pakistan, of course, is listened to around the world and in India too. As you mentioned, 70 or more percent of the music recorded in Koch Studio is actually Sufiana, whether or not we call it Qawwali. But really just a couple of years ago, Amjad Sabri, right before he died, and Rahat Fateh Ali Khan performed together Aaj Rang Hai, which was a tribute to the great Hazrat Amir Khusro, who also Afrozji talked about earlier. And Afrozji wanted to mention one thing, which I'll sort of share with you, and that is that this Zehali Miskin ghazal is really a duet. It takes the form of a duet between a Persian speaker, perhaps the male, and the female voice is of a Hindavi speaking woman. And the love they have for each other and this sort of attempt or desire to meet and to form or create something new, which is really the soul of this Ganga Jamni culture that we're talking about, that Indian Sufism, Tasavvuf, and these things have brought together and brought out in South Asian culture. One thing I'd like to just point out also, I just noticed Afrozji and I take students every year to the, when we have a chance to come this year after 22 years of bringing students every summer to India, we can't because of the pandemic of COVID-19. But I've noticed at Nizamuddin Shrine in Delhi that 20 years ago, they sang exclusively or almost exclusively the music of Amir Khusro, the songs attributed to him. But in the last few years, they've really converted over completely. These are the same Qawwal Bache, the same traditional hereditary Qawwals, who, you know, Dada Por Dada say, Shrine Mein Baithe Hain, or they're born and raised in that small area of Delhi. But now they all sing Nusrat Fateh Ali Khan. They used to start with Man Kuntu Mola, the traditional starting Qawwali of the Nizamuddin Shrine. Now they start with Allahu, Allahu, the Nusrat Fateh Ali Khan sort of super pop hit of Qawwali. I'm not saying anything against Nusrat Fateh Ali Khan. He's an amazing artist. In fact, too amazing. His music has kind of dominated the world Qawwali scene now. And some of the traditional Qawwali music of various local regions, the music sung by the Nizamis and the Qawwal Bache in Nizamuddin, the Varsi brothers at the Yusufain Shrine in Hyderabad. So many of these traditional things are giving way to sort of the global world pop music culture. So that's a concern. But I think as scholars of Qawwali and Sufi music, we can help keep these ancient hundreds of year old traditions alive. So once again, thank you very much. Mera naam John Caldwell hai. Main yahan par Hindi, Urdu, aur South Asian music and culture padhata hun. I'm both a research scholar in musicology as well as a long-term member of the faculty at North Carolina. And Madhu ji and Manish ji, bahut acha laga jab do teen saal pehle hum aaye the Ayodhya mein conference tha, bahut maza aaya Ramcharitmanas ke upar. Aur thank you so much for involving us again. You might please me maafi chahta hu, mazar chahta hu agar thodi der baad mein aur sone jaao, lekin bahut maza aaya aur umeed hai, aasha hai ki kal main fir se sharik ho jaao. Thank you, sir. Thank you very much. It was very nice and informative, and all of us enjoyed the things. Thank you very much for being present, in spite of your sleeping time. Yes, sir. Thank you very much. Thank you, sir. इसी श्रृंखला में इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए मैं आमंत्रित करता हूं अगली स्पीकर डॉक्टर शशिकला रे मैडम इज एसोसिएट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी पुणे यूनिवर्सिटी पुणे मैडम डॉक्टर शशिकला राय डॉक्टर शशिकला राय मैडम
शशिकला राय। मैडम आप आइए और आपका प्रपत्र सादर करिए प्लीज। हेलो मनीष। हाँ मैम आवाज आ रही है। आवाज आ रही है। यस चलो पहले प्लीज बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों। और बहुत अच्छा हूँ ज्वालामुखी के मुहाने पर एकदम बारूद के ढेर पे बैठी हुई थी, मुझे लगा कि हमारे जख्म पे कोई रुई का फाहा रख रहा है। और उनकी आवाज बहुत खूबसूरत नहीं हूँ लेकिन बहुत थोड़ी सी बात इस रास्ते में रूमी सूफी के ऊपर जरूर करूंगी। और लाइन में शुरू करूंगी। अमीर आवाज आ रही है मनीष? यस जी मैम आ रही है। हाँ ठीक है। मेरे पास संसाधन इतना नहीं है। आप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाए के। अगर अमीर खुसरो कहते हैं इसका मतलब है कि सूफीज्म में एक जो बहुत बड़ा तत्व है उसकी केंद्रीय चेतना है वो प्रेम है। और मैंने इस रास्ते में रूमी को पढ़ना शुरू किया है। रूमी को पूरी तरह से पढ़ा नहीं है सूफी रूमी को, पर उन्ही को लेकर कुछ बातें करूंगी। उससे पहले शेख फरीदी वाला है, अच्छे नजर में फिरते रहते हैं इबादत होती जाती है। तो निश्चित रूप से सारे अच्छे लोग जो सूफी हैं, संत हैं, भक्त कवि हैं, ये हम लोगों के लिए तस्बीह के दाने हैं। ऐसे भयानक समय में लोग उनके पास आते हैं जो जी रहे थे बतौर वाल्टर बेंजामिन शॉपिंग मार्केट के बाहर की तरफ नहीं खुलते हैं, सपनों की तरह होते हैं। और जब भी हम बड़े बड़े मॉल में और शॉपिंग मॉल में गए हैं तो हमें लगता था कि यहाँ पर गरीब बीमार लाचार जैसी कोई चीज है ही नहीं, सपने ही सपने हैं। ये बहुत बड़ा सच था। लेकिन कोरोना जैसी महामारी ने जब संपूर्ण जगत को असहाय और लाचार बना दिया तो दो विपरीत ध्रुव हम लोगों के सामने आए जिनका चिंतन एक ही तरह का होता है। जिंदगी क्या है और हम लोग बताती है कि हम कुछ पाने वाने के लिए नहीं दौड़ रहे। हम रुक नहीं पा रहे थे इसलिए लगातार हम लोग दिन में रुक गया। और ऐसे समय में जब गति नहीं हमारी है ऐसे सूफिज्म निश्चित रूप से बधाई के पात्र है। मेरा पहले भी यकीन प्रेम में था, प्रेम में या पिया करते हम पिया हो गए, या इश्क का दरिया गहरे से गहरा, या अपने कानों की आवाज अपने कानों से ही सुनना। तो निश्चित रूप में सारी चीजें कहीं ना कहीं हम लोगों को भीतर मुड़ने के लिए विवश करती हैं। तो सूफी प्रेम में नहीं जा सकता, कभी किसी ने किया भी नहीं। प्रेम का संशय तो न संतों ने किया, न भक्तों ने किया, और हम लोगों ने भी नहीं किया, क्योंकि प्रेम हमको केवल जीना ही नहीं मरना भी सिखाता है। और प्रसिद्ध सूफी रूमी की ही कुछ बातों को आपसे साझा हूँ। आज से मैं हूँ, आप बिल्कुल ये ना माने कि मैं एक्सपर्ट हूँ, अभय तिवारी जिन्होंने पढ़ी है। इनका जन्म फारस देश के प्रसिद्ध नगर पर बल्कि गिरदानी दरवेश की परंपरा का संवर्धन किया। गिरदानी दरवेश यानी जो नृत्य करते हुए सूफी होते हैं नर्तक साधुओं का। और उन्होंने अपने मजार पे लिखा था, लिखवाया था, जब मैं मर जाऊं तो मुझे किसी के मकबरे में खोजना मत, लोगों के दिलों में खोजना। और दो रचनाएं उनकी सचमुच ऐसी रही कि जो लोगों के दिलों में घर कर गई, एक मसनवी एक दीवान शम्स तरबेज। पिछले दो दशकों में इंग्लिश में जो अनुवाद हुआ शेक्सपियर से ज्यादा रूमी बिके हैं। और आज अमेरिका का सर्वाधिक लोकप्रिय कवि पिघलते हुए बर्फ की तरह बनो, खुद को खुद से धोते रहो, कबीर से लेकर
माओ तक है कि खुद से खुद को धो, खुद से खुद को धोने की जो कल्पना है एक बेहतर दुनिया की रचने की कल्पना है। और जब हम खुद से खुद को धोते हैं तो हम में अहंकार खत्म होता है, वर्चस्व की आकांक्षा खत्म होती है, पाखंड खत्म हो जाता है, चेहरे की धूल हम आईने से नहीं पोछते हैं, खुद से ही पोछते हैं। रूमी ने एक बात और, रूमी लिखते हैं, खुदा ने भेजा जब हमें कायनात में तो साथ ही हमसे एक वादा लिया कि मिलकर रहना इस मकान में। अब पूरे संसार को एक मकान की संज्ञा देते हैं रूमी और कहते हैं कि आपने तो वादा किया था अल्लाह से, ईश्वर से, खुदा से, क्या मिलकर रहेंगे? तो क्या हम लोग मिलकर रह रहे हैं? क्या रूमी की बात पर फिर विचार करना नहीं बनता है? और मिलकर रहना एक तरह से अल्लाह या ईश्वर की इबादत ही तो है। जब अलगाव और घृणा के संतरास ने मासूम बच्चों तक को ग्रस लिया हो तब रूमी को समझना एक बहुत बड़ा सुकून देता है कि सूफी कवि एकता चाहता क्यों है, क्यों चाहता है सब लोग मिलकर रहें? जीवन अस्थाई है, जीवन क्षण भंगुर है, ये तो कोरोना ने सिद्ध कर दिया। हम सभी लोगों को उसने मानव बम में बदल दिया, हम सब मानव बम है, कौन किसको छुएगा, कितने लोगों को मारेगा, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। देखिए वेबिनार क्या है, मौत से लुका छिपी का खेल है। हम लोग मौत से छिप कर घरों में बैठे हैं क्योंकि हम सबको पता है कि बाहर मौत नाच रही है। तो ऐसे में अगर सूफी की केंद्रीय चेतना प्रेम है, प्रेम ही दुनिया बचाएगी। अगर सूफी प्रेम पर बल देते हैं तो निश्चित रूप से प्रेम इस संसार को बचाएगा। और इतना ही रूमी लिखते हैं कि मैं प्यार को समझाने की शर्म, लेकिन प्यार नहीं होता हूं तो उसे खुद ही शर्मिंदा हो जाता हूं। केवल प्यार ही प्यार और प्यार करने वालों के रहस्य को समझा सकता है। मैं आगे भी पढ़िए क्योंकि किताब अच्छी है, लेकिन प्रेम सिद्धांततः नहीं समझा जा सकता। आधी उम्र मेरी गुजर गई सिद्धांततः प्रेम समझने में, लेकिन जब मैंने रूमी को पढ़ा तो हमें लगा हम लोगों का प्रेम बड़ा सेलेक्टिव होता है। हम प्रेम के मर्म को ही नहीं बूझते। यह प्रेम रिश्ता, खून, मजहब, प्रांत, भाषा देखकर तय करता है कि हमको किससे प्रेम होना है, किससे नहीं होना है। और जो लोग बिना तय किए प्रेम में चले जाते हैं, सूफी के तहत, भक्त के तहत, जिस इश्क को खुदा का दर्जा दिया गया है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस प्रेम की हत्या कर देते हैं। सैराट फिल्म देखी होगी आप लोगों ने, और वो खाप पंचायत और सारी चीजें वैसे ही चलती है। तो जिस प्रेम को स्वयं सूफी संत रूमी परिभाषित करने से घबराते हैं, तो आप समझ लीजिए प्रेम की व्याख्या नहीं हो सकती। जो प्रेम है वो घृणा है, वो नफरत के विरुद्ध है। जो प्रेम में है उसमें करुणा है, जो करुणा में है वो मनुष्य धर्म में है, वो बुद्ध में है, वो तथागत में है। तो मुझे बहुत खूबसूरत लगा कि रूमी को हम ही लोगों को नहीं, हमें विद्यार्थियों में भी साझा करने की जरूरत है। आज जबकि बहुत ज्यादा अलगाव की वृत्तियां बढ़ रही हैं, बहुत सारी चीजें हमारे सामने ऐसी है कि इस दुनिया को कैसे फिर से बचाया जाए, एक प्रतिबद्ध तरीके से हमें सूफी के, चाहे वो राविया बसरी हो, चाहे रूमी हो, या और भी बहुत खूबसूरत, क्योंकि विशेषज्ञों ने यहाँ बहुत खूबसूरत तरीके से अपनी बात रखी, हमें फिर से नए प्रसंग, नए समय के दौर में उन्हें पढ़ाना चाहिए, बताना चाहिए। रूमी लिखते हैं, तुम्हारा गम तुम्हारी संवेदना का बगीचा है। अगर तुम अपना हृदय खुला रखो तो गम तुम्हारा सबसे अच्छा साथी है। वही दुख की बात वो भी कहते हैं, वह दुख जिससे करुणा का जन्म होता है। अपना हृदय खुला रखो तब तुम प्रेम और ज्ञान की खोज हो। यह दुख का विभस चेहरा नहीं है, हम सब उसी खोज में हैं। और रूमी भी उलट कर अपने में समाने की बात करते हैं। कितनी बड़ी मूर्खता है, हमने अपना दिल किसी के लिए नहीं खोल रखा है, लेकिन हम चाहते हैं सारी दुनिया का दिल हमारे लिए खुला रहे। रूमी कहते हैं, नहीं, पहले अपना दिल खुला रखो, बाद में आप दूसरों के दिलों तक पहुंचो। आप खोज किसे रहे हैं? आप जिसे खोज रहे हैं वो खुद आपको खोज रहा है। तुम जिससे प्यार करते हो
उसकी खूबसूरती अपने काम में झलकने दो। और इतने मैं केवल बीच उनके सूत्र वाक्य रख रही हूँ जिसकी खुद मुझे बहुत जरूरत है कि मैं उसमें डूब कर उन सारी चीजों को सुनूं, करने दो। तो यह दरअसल इतना व्यापक उदात्त जिंदगी का सौंदर्य है जो पूरे ब्रह्मांड को आच्छादित कर कर देता है। इसे हमारे काम में उससे विपरीत झलकता है। हम राम को प्यार करते हैं, काम हमारा प्रश्न चिन्ह, केवल प्रश्न चिन्ह। हम अल्लाह को प्रेम करते हैं, काम हमारा प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न मेरे मन में है अगर कोई जवाब दे तो। फिर हम राष्ट्र से प्रेम करते हैं, काम हमारा प्रश्न चिन्ह। हम व्यक्ति को प्रेम करते हैं, काम हमारा प्रश्न चिन्ह। मैं कोरोना को इस समय थोड़ा सा नजरअंदाज कर रही हूँ कि हम प्रेम समझते हैं क्या। अगर हम प्रेम नहीं समझते हैं, ना ही हम एक अच्छा विद्यार्थी बना सकते हैं, परीक्षार्थी तो सारे हैं। परंपरा में ईश्वर को हमेशा प्रेमी के रूप में इसीलिए देखा गया है, दरवाजा केवल उनके लिए खुलता है जो अपने को खो चुके होते हैं। इस बात को है, या तो घर है प्रेम का, खाला का घर ना है, तो खुद वो भी कहते हैं। मैं बस रूमी की कविता के अंत से अपनी बात खत्म करूंगी, और मेरी पढ़ाई जारी है और जबरदस्त, मतलब और मैं आगे बढ़ूंगी, ढंग से कभी इस पर बात कर पाऊंगी जब मुझे लगेगा कि मैं उसके लायक हो गई हूँ। रूमी के एक कविता के अंश से ही अपनी बात खत्म करूंगी। जैसे ही मैंने अपनी पहली प्रेम कहानी सुनी, मैंने तुम्हें ढूंढना शुरू कर दिया, बिना यह जाने कि यह खोज कितनी अंधी थी। प्रेमियों का कहीं मिलन नहीं होता, वे तो हमेशा एक दूसरे के भीतर रहते हैं। सचमुच प्रेमियों का कहीं मिलन नहीं होता, वे हमेशा एक दूसरे के भीतर रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार मनीष। थैंक यू, धन्यवाद मैडम डॉक्टर शशिकला, आपने एक अलग तरीके से अपनी बात रखी और एक अलग ही बात की। आपने यही भी कहा कि कोविड में अपने को अलग तरह से जीना सिखाया है। धन्यवाद मैडम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। इसी कड़ी में, इसी श्रृंखला में मैं आगे बढ़ता हूँ और आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर मिथिलेश शर्मा, जो कि हिंदी डिपार्टमेंट में हेड की तरह काम करते हैं आरजे कॉलेज में। तो डॉक्टर मिथिलेश शर्मा आप आइए और अपना प्रश्न। यस मैडम। जी सर। नमस्कार सर, मेरी आवाज आ रही है? यस मैडम, यस। मेरा, मैं आप सभी को धन्यवाद देती हूँ और सभी को नमस्कार करती हूँ। बहुत ही अच्छा आपका ये सेमिनार चल रहा है और बहुत सुंदर सुंदर वक्ता हैं। मैं तो एक छोटी वक्ता हूँ, अपनी बात थोड़ी सी रखती हूँ। भक्ति काल और सूफी में मैंने अपना विषय रखा था कि जायसी के पद्मावत में प्रकृति का सौंदर्य, तो मैंने भक्ति काल से जोड़ते हुए पद्मावत तक मैंने एक यात्रा तय की। हिंदी साहित्य के भक्ति काल में भक्ति की दो धाराएं सगुण और निर्गुण प्रवाहित हुई। सगुण धारा के अंतर्गत रामकथा, कृष्ण भक्त शाखाएं आती हैं और निर्गुण के अंतर्गत संतों तथा सूफियों का काव्य आता है। निर्गुण धारा के कवि ईश्वर को निर्गुण, निराकार और अजन्मा मानते हैं। सूफी काव्य में प्रेम तत्व की प्रधानता परिलक्षित होती है, किंतु सूफी साहित्य में उपलब्ध प्रेम भावना भारतीय प्रेम से कुछ अलग है। इस प्रेम भावना में शुद्ध सौंदर्य भावना, साहसपूर्ण क्रियाकलाप विद्यमान रहते हैं तथा यह मर्यादावादी दाम्पत्य प्रेम से हटकर है। भारत में सूफी मत का आगमन 9वीं-10वीं शताब्दी में ही हो गया था, किंतु इसके प्रचार प्रसार का श्रेय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को जाता है, जिन्होंने इसे लोकप्रिय बनाया। सूफी साहित्य में प्रेम महत्वपूर्ण होने के कारण सौंदर्य और सौंदर्य के कारण प्रकृति महत्वपूर्ण हो जाती है। वैसे ही आजकल से ही मानव का संबंध प्रकृति से रहा है। अपने मन को आह्लादित करने के लिए मानव एक लंबे समय से प्रकृति के विविध रूपों और दृश्यों का सहारा लेता रहा है। सूफी काव्य में भी प्रेम की उत्तम व्यंजना के लिए
सूफी कवियों ने प्रकृति का अत्युक्तिपूर्ण सहारा लिया, जिसके फलस्वरूप पूरी सूफी साहित्य प्रकृति के विविध रूपों उपमानों के लेकर समृद्ध है, जिसका वर्णन जायसी जी ने पद्मावत में किया है। प्रकृति सदैव से ही मानव जीवन का अभिन्न अंग है, इसीलिए प्रकृति का साहित्य में एक अलग स्थान है। प्रकृति मानव जीवन के सुख दुख में बराबर की भागीदार है। जब मनुष्य हंसा तो प्रकृति हंसी, और जब मनुष्य रोया तो प्रकृति रोई। प्रकृति की सहानुभूति का मनुष्य सदैव ऋणी रहेगा। शास्त्रीय दृष्टि से प्रकृति का चित्रण आलंबन और उद्दीपन रूप में किया जाता है। जायसी का पद्मावत प्रकृति चित्रण की दृष्टि से एक सुंदर रचना है। उसमें प्रकृति का उल्लेख विविध रूप में हुआ है, उद्दीपन के रूप में, अलंकार योजना के रूप में, वातावरण की निर्मिति के रूप में, मानवीय भावों की व्यंजना के लिए आदि अनेक तरह हुआ है। कुछ उदाहरण मैं प्रस्तुत करूंगी। उद्दीपन रूप में प्रकृति चित्रण। उद्दीपन का अर्थ है वह तत्व जो रस को उद्दीप्त करता है, उसकी आस्वादन क्षमता में अवृद्धि करता है, उद्दीपन कहलाता है। उदाहरण के लिए श्रृंगार के संदर्भ में जितने भी चांदी का किनारा, चांदी रात जो भी है, जो प्रेम करते हैं, जायसी ने पद्मावत में श्रृंगार की दोनों अवस्थाओं को बखूबी दर्शाया है। जायसी ने पद्मावती और रत्नसेन के उद्दीपन में जो उसका उपयोग किया है, और नागमती और रत्नसेन के विरह में बारह मासा का नियोजन किया। षट ऋतु और बारह की रत्नसेन रूपी तंत्र नागमती से टूटकर पद्मावती से जुड़ जाता है। एक ओर करुण क्रंदन है तो दूसरी ओर हर्षोल्लास है। जनहु कंबल संग जनहु की प्रस्तुत के लिए दो अप्रस्तुत की कल्पना करना यह जायसी की अपनी कला है। मानव संवेदना में प्रकृति का साथ मानव के साथ किस प्रकार जुड़ा रहता है, इसका भी सुंदर उदाहरण जायसी ने दिया है। का हंसा सो तुम मो सो सुने, तुम मुख चमके बीजरी और मोहि मुख बरसे। कहते हैं पीएसओ कहू संदेशा, ए भवराए काग सो धन बिरह जर गई, एक धुआं हम लाभ। इस प्रकार उपमा रूपक अन्योक्ति आदि अलंकारों के माध्यम से भी जायसी ने अप्रस्तुत विधान की प्रक्रिया में प्रकृति के विविध सुंदर छवियों को हमारे सामने रखा है। वातावरण के सृजनार्थ भी प्रकृति के सुंदर रूपों को उभारा है। उपदेशिका के रूप में भी प्रकृति की शोभा दर्शनीय है। मैं यहाँ सभी उदाहरणों को नहीं पढ़ूंगी और अपनी बात समाप्ति की ओर जाते हुए निष्कर्ष पर आऊंगी। इस प्रकार जायसी द्वारा रचित प्रकृति चित्रण में नीति, उपदेश तथा रहस्यवाद और आध्यात्मिकता के भी दर्शन होते हैं। किसी भी वस्तु या प्रसंग का विस्तार से वर्णन करना जायसी की अपनी विशेषता है। इसीलिए उनके काव्य में पकवान, फलों, घोड़ों भी साथ साथ वस्तु दृश्य एवं घटने में सिद्धस्त थी। जायसी के पद्मावत में भी वन, वाटिका, समुद्र, पर्वत, नगर, पर्व, उत्सव, भोज सामग्री का वर्णन, कल्पना शक्ति का परिचय देते हुए शक्ति वर्णन के अंतर्गत अपने ज्ञान का प्रदर्शन भी किया है। धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे सुना धैर्य के साथ। आपने एक सूफी संत के आयाम पर प्रधर्मन श्री प्रभाकर सिंह जी को, सर आप आइए और अपनी बात रखिए। डॉक्टर प्रभाकर सिंह
मनीष मिश्रा का इस सुंदर आयोजन के लिए, और इस सेशन का संयोजन कर रहे महेश जी को आभार प्रकट करता हूं। मित्रों, इसके पहले उद्घाटन सत्र बहुत शानदार हुआ, जिसमें अफरोज साहब, अब्दुल लतीफ और भजन सपूरी जी ने अपनी प्रस्तुतियां दी, और भजन सपूरी जी को सुनना, पंडित भजन सपूरी जी को सुनना बहुत आनंददायी रहा। दूसरा सत्र ये चल रहा है, इसमें जान काडवेल जी, शशि कला रे जी और मिथिलेश शर्मा जी के पर्चे पढ़े गए, उनको मैं साधुवाद देता हूँ, बेहतरीन जानकारी उन्होंने दी। मित्रों, इस विषय पर ये मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि जिस विषम परिस्थिति में हम हैं, उसमें यह विषय हमारे लिए जीवन तरंग की तरह। हम सब जानते हैं कि सृष्टि पर संकट छाया हुआ है, और ऐसे में प्रेम का संदेश देने वाला यह विषय, जो सूफी संस्कृति और कव्वाली पर केंद्रित है। मित्रों, मैं अपनी बातों को दो भाग में बांटकर आपके सामने रखता हूं। एक तो सूफिज्म का विकास किस तरह से हुआ, सूफी संस्कृति का विकास किस तरह से हुआ भारत में, खासकर हिंदी समुदाय में। दूसरी तरफ कव्वाली का हमारे इस संस्कृति से क्या रिश्ता है, हमारे जीवन से क्या रिश्ता है कव्वाली का, सूफिज्म से क्या रिश्ता है कव्वाली का, इस पर थोड़ी सी बातें मैं आपसे करना चाहता हूँ। प्रयास करूंगा कि मैं अकादमिक तरीके से कुछ बातें कर सकूं आपसे, और कुछ व्यवहारिक तरीके से। मित्रों, ये हम सब जानते हैं कि यह जो विषय है, इसके सूत्रधार के रूप में अमीर खुसरो का नाम लिया जा सकता है। तो मैं ना अपनी बात शुरू करूं अमीर खुसरो के इन पंक्तियों के साथ कि खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी बाकी धार, जो उबरा सो डूब गया और जो डूबा सो पार। मित्रों, सूफी संस्कृति के बारे में जब हम बातचीत करते हैं, तो थोड़ा सा मैं आपसे चाहूंगा कि इसके परिदृश्य में हमें जाना चाहिए। सूफी संस्कृति के बारे में हम हिंदी पढ़ने पढ़ाने वाले जब पढ़ते हैं, तो स्पष्ट है कि उसमें जायसी का नाम सर्वोपरि आता है, और भक्ति आंदोलन की बात होती है जिसमें जायसी का नाम लिया जाता है। लेकिन एक तरफ भक्ति आंदोलन की बातचीत जब होती है, तो उस आंदोलन में आप देखें कि सूफी कविता को प्रेम कविता कहकर मूल्यांकित तो किया जाता है, लेकिन भक्ति आंदोलन की जो पूरी जमीन तैयार हुई, उसमें जितना निर्गुण संतों का योगदान है, जो संत कवि हैं, उससे कहीं ज्यादा मुझे लगता है सूफी कवियों का योगदान है। और ये जो सूफी कवि हैं, इन कवियों ने किस तरह से विस्तार के साथ जो बातें करी, जो विस्तार के साथ इन्होंने जमीन तैयार की भक्ति की, प्रेम की जमीन तैयार की उस विषमता के दौर में। और इसको जानने के लिए आप जानते हैं कि 1206 में जैसे सल्तनत काल की स्थापना होती है, वैसे ही हमारे यहाँ सूफिज्म का विकास भी शुरू होता है, क्योंकि बहुत कुछ पहले से ही है, लेकिन उस दौर से ये बातें शुरू होती। और हिंदी पर कहा जाए कि हिंदी समुदाय में या भक्ति के उस दौर के बारे में बातचीत करने से पहले अगर बातचीत करें भारत में, तो सूफी मत जो है वह इस्लामिक और हिंदू संस्कृति या इस्लामिक संस्कृति और हिंदू संस्कृति का मिला जुला एक खूबसूरत स्वरूप है। और सूफी कविता जिसे कहा जाता है, सूफी मत जिसे कहा जाता है, उसके विकास की प्रक्रिया यूं तो पूरे भारत में दिखाई देती है, लेकिन आप देखें इसके बारे में विस्तार से अगर अध्ययन करें, तो स्पष्ट रूप से आप कह सकते हैं इसका विस्तार जिस तरह से हुआ, उसमें जिस संस्कृति को लेकर सूफिज्म पढ़ा, प्रेम की संस्कृति को लेकर पढ़ा, सूफी मत के जो प्रवर्तक थे या सूफी मत से जुड़े हुए जितने संत थे, सूफी थे, वो कैसे
फारस की या बाहर की उस संस्कृति के साथ भारत की संस्कृति को मिलाकर उन्होंने उसका जो भारतीय चेतना के साथ भारतीय सरजमीन पर जो एक खूबसूरत संस्कृति बन सकती थी उसका विकास किया उन्होंने। उसमें कुछ खास बातें सूफिज्म की आपको बार बार नजर आएंगी, मसलन कि जन भाषा में अपनी बातों को कहना, जन संस्कृति के साथ चीजों को रखना, लोक चेतना और लोक संस्कृति के साथ चीजों को प्रस्तुत करना, इसके साथ साथ इन सबके बीच में सत्ता का प्रतिरोध करना। अब सत्ता के प्रतिरोध के साथ आप देखें कि सत्ता से जुड़ा हुआ जो व्यक्ति विनम्रता के साथ उनके यहाँ आता है उसका वो खुले दिल से स्वागत करते हैं। इस तरह से सूफी मत, सूफी भक्ति, सूफी कविता का जो पूरा विकास है वो जो सूफी संतों के साथ जिस तरह से शुरू होता है उसमें मुख्य रूप से चार संप्रदाय हमारे यहाँ माने जाते हैं, जिसमें चिश्तिया है, कादरिया, सुहरावर्दिया और नक्शबंदिया। इसमें चिश्तिया संप्रदाय सबसे ज्यादा निकट है हमारे, उसने ज्यादा प्रभाव डाला और इस प्रभाव का आलम यह है कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में जिनकी मजार है उनसे यह शुरुआत होती है, उन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया और इस परंपरा में ख्वाजा मुइनुद्दीन के बाद ख्वाजा कुतुबुद्दीन हैं और बाबा फरीद हैं और इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण जो नाम हमारे सामने आता है वह निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया सूफी संस्कृति के सबसे महत्वपूर्ण सूफी संत, अमीर खुसरो के गुरु। आप जानते हैं कि उन्होंने अपने यहाँ जो उनका खानकाह था, मित्रों एक चीज आपको ये बता दें कि सूफियों सूफी संतों के यहाँ एक चीज एक संस्कृति विकसित हुई कि वो जो भजन कीर्तन और समवेत रूप से जो संस्कृति थी उसके विकास को लेकर जिस तरह से उन्होंने बातें की उसमें आप देखें तो भारतीय जनजीवन में व्याप्त जो भक्ति थी जिसमें भजन और कीर्तन की संस्कृति थी उसको कैसे समाविष्ट किया उन्होंने, इसको समाविष्ट करके एक नई भक्ति की संस्कृति पैदा की और उन्होंने सामूहिक भजन कीर्तन के साथ एक बात शुरू की और उनका जो खानकाह होता था जो इबादत की जगह जिसे कहा जाता था वहां पर सबके लिए दरवाजे खुले रहते, वो क्या हिंदू क्या मुसलमान क्या अमीर क्या गरीब सबके लिए वो दरवाजे खुले रहते। और यहां पर आपको बता दें कि कैसे इस संप्रदाय से जुड़े हुए निजामुद्दीन औलिया ने उसको विकसित किया। दूसरी ओर निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु के बाद उनके शिष्य अमीर खुसरो जिनको कव्वाली का जनक भी कहा जाता है, अमीर खुसरो आते हैं और निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु के बाद उन्होंने जो दोहा कहा कि गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, अचल खुसरो घर आपने रैन भी चंदेश, इसके विस्तार से इसकी व्याख्या की जायस नहीं है, बस मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि भक्ति का एक सोपान यहां से शुरू होता है तो इसका विस्तार किस तरह से अमीर खुसरो के यहां से शुरू होता है। अमीर खुसरो जिन्हें हिंदी का पहला कवि कहा जाता है, जिन्हें हिंदी का कवि कहा जाता है, जिन्हें तूतीय हिंद कहा जाता है और कैसे भाषा को लेकर धर्म को लेकर संस्कृति को लेकर राजनीति को लेकर संगीत को लेकर बहुत सारी प्रस्तावनाएं। हम सब जानते हैं कि भारतीय संगीत को का जो सुंदर और खूबसूरत पक्ष है वो अमीर खुसरो ने उसे इजाद किया, बहुत सारे वाद्य यंत्रों को इजाद किया, उसका स्वरूप बदला उन्होंने। सितार के बारे में कहा जाता है, तबले के साथ उनका नाम जोड़ा जाता है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्होंने हिंदू और मुस्लिम संस्कृति को मिलाकर यहाँ की गंगा जमुनी तहजीब को मिलाकर उस संस्कृति को महत्व दिया जो जन जन की संस्कृति। और यहाँ आपको ये भी ध्यान देना चाहिए कि अमीर खुसरो ने उस दौर के बादशाहों के साथ अपना जीवन व्यतीत किया तो राजनीति की अच्छी खासी समझ भी थी उनको, लेकिन इसके बीच में कैसे उनकी मुकरियां उनके दोहे
और तमाम सारी चीजें बहुत विस्तार के साथ वो पढ़ी गई हैं, उसके बारे में आप समझ सकते हैं, दस्तावेज उसके उपलब्ध हैं। लेकिन अमीर खुसरो की खासियत क्या है, ये मैं थोड़ी देर बाद आपसे कव्वाली पर बातचीत करते हुए आपसे शेयर करूंगा। लेकिन यहां मैं एक कहना चाहता हूं कि अमीर खुसरो से शुरू ये परंपरा जिसे भक्ति की सोपान की परंपरा कहते हैं, जो भक्ति आंदोलन के पृष्ठभूमि के रूप में आप देख सकते हैं, आप कह सकते हैं कि सूफी कविता ने, सूफी संस्कृति ने, सूफी मत ने कैसे भारत में भक्ति आंदोलन की जमीन के खिलाफ था, जो सत्ता की ताकत के खिलाफ था, जो शास्त्र खिलाफ था, कैसे परंपरा के कवि अमीर खुसरो ने उसकी कैसे, या उस दौर के सूफी कवियों ने कैसे उसकी एक पृष्ठभूमि बनाई, और उसका विस्तार वहां पर आपको दिखाई देता है। और इसके बारे में विस्तार से और चर्चा करते हुए जब आप भक्ति आंदोलन में प्रवेश करते हैं तो आप देखें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी को बहुत महत्व दिया, जायसी को एक बड़ा कवि बताया, क्योंकि उनके मूल्यांकन में कई अंतर्विरोध भी नजर आते हैं, लेकिन उन अंतर्विरोधों के बावजूद जायसी की कविता के महत्वपूर्ण अंशों को जिस तरह से व्याख्यायित किया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, उसे सूफी कविता को समझने के नए द्वार। आप एक स्पष्ट रूप से एक चीज समझ सकते हैं कि कैसे सूफी कविता को विकसित करते हुए जायसी या उस दौर के वो कवि जो लोक गाथाएं थी हिंदुइज्म की या हिंदू संस्कृति की, हिंदू घरानों में तमाम सारी लोक गाथाएं जो प्रेम की लोक गाथाएं थी, उनको कैसे सूफी मत के साथ मिलाकर उन्होंने प्रबंध काव्य लिखे, और उसमें भी सबसे खूबसूरत काव्य जो है वो पद्मावत है। पद्मावत के बारे में कहा जाता है प्रेम से शुरू करके और प्रेम पर वो कविता खत्म होती कि प्रेम बेल जी ने अर्जय कोई, अर्जय हुए न छूटे सोई। और